बहराइच, पर्यटकों के लिए आज से खुल गए कतन्या घाट के द्वार। पर्यटकों से गुलजार होगा कतन्या घाट, बलहा विधायक सरोज सोनकर ने किया उद्घाटन। बलहा बहराइच मोतीपुर तहसील के कतन्या घाट वन्य जीव प्रभाग के द्वार मंगलवार को पर्यटकों के लिए खुल गए। कतन्या घाट के कपाट खुलते ही पर्यटकों को बाघ, तेंदुआ, हाथी, गेंडा, मगरमच्छ, घड़ियाल, डॉल्फिन, गिद्ध समेत अन्य दुर्लभ प्रजाति के जीव जंतुओं को देख सकेंगे। इसके साथ साथ कतन्या घाट वन्य जीव प्रभाग में बोटिंग व जंगल सफारी की सुविधा भी उपलब्ध होगी। इको पर्यटन सत्र है उसका शुरुआत करते हैं। आज भी इको पर्यटन सत्र के हमने यहाँ पे शुरुआत की है। इसमें कुछ चीज़ें इस बार कतन्या घाट के टूरिज्म में कुछ अलग से देखने को मिलेगी। जो हमने बफर रीजन में कुछ शुरू किया है मोतीपुर और ककराहा में, हमने कुछ स्विस कॉटेज टेंट्स को इस बार बढ़ावा देने की कोशिश की है। स्विस कॉटेज टेंट्स के अलावा हमने एक बटरफ्लाई ट्रेल और एक नेचर ट्रेल को भी डेवलप किया, जिसमें लोग न केवल बोट सफारी और जीप सफारी कर सकते हैं, बट इसके अलावा ककराहा क्षेत्र में जहाँ पे लोग रुकेंगे वहाँ पे उनको स्विस कॉटेज टेंट्स में एक रहने का मौका मिलेगा, जो इस क्षेत्र में और कहीं पर भी नहीं है। इसके अलावा बटरफ्लाई ट्रेल और एक नेचर ट्रेल में भी लोग अपना पैदल चल के वहाँ पे नेचर का आनंद ले सकते हैं। और इसके अलावा सुबह और शाम की जो सफारी है, उसके अलावा हमने लोगों को थारू संस्कृति के साथ भी जोड़ने की कोशिश की है। ये एक अलग बहुत एडेड एडवांटेज है जो सिर्फ कतन्या घाट में ही है। ये वाली विशेषता यहाँ पे जो हमारा यहाँ का जो संस्कृति है, जो हमारी जो थारू संस्कृति है यहाँ की, उसको बढ़ावा भी एक तरीके से दिया जाएगा। और यहाँ पे जो लोग हैं, खासकर महिलाएँ जो है, उसका एक सशक्तिकरण भी होगा और इनका एक। बर्दिया में स्थित होम स्टे योजना के तहत बने हुए होम स्टे का उद्घाटन भी किया गया। इस दौरान काफी संख्या में वन विभाग के कर्मचारी, बलहा विधायक सरोज सोनकर व प्रतिनिधि आलोक जिंदल मौजूद रहे।